हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई सुबह हो गई है, अभी बस नहा धोते जल्दी जल्दी सुबह सुबह रेडी हो गए हैं, और रेडी होते हैं आप सीधा निकल रहे हैं शिरडी से शनि धाम की तरफ, यानी कि शनि सिद्धनापुर की तरफ। एंड भाई चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी शनि सिद्धनापुर। तो भाई अभी यहाँ से बस निकल रहे हैं, पूरी पैकिंग वैकिंग हो रही है, या आप देख सकते हो पूरी पैकिंग हो रही है। तो बस चलते हैं यहाँ से शनि सिद्धनापुर, और बाहर से मतलब मेरे रूम से बाहर निकलते ही यहाँ से जो बस है ना, बस मिलती है तो चलते हैं बस में और दिखाते हैं आपको भी शनि सिद्धनापुर है कैसा, पहले सुना था, बस चलते हैं जल्दी से और दिखाते आप तो। एंड भाई अभी हमने रूम तक गया अपना, चेकआउट हो रहा है बाहर, और मैं आपको तो बता देता हूँ अभी ये जो बोर्ड आपको तो दिखाया ना ऊपर ये वाला है, इसके लेफ्ट साइड में अपना रूम था। तो चलो चलते हैं, और पहले भाई चलने से पहले पीते हैं एक चाय, तो चलते चाय वाले के पास में। हाँ जी, तो भैया हमारे ये तो जिसके पास में 2 दिन से चाय पी रहे थे चाय वाला, तो ये जो ने लिखा हुआ है ना एक और हो जाए, तो भाई आप एक चाय पीने के बाद में दूसरी और लो यार। तो यार इसने सही लिखा हुआ है, तो अभी मैं आपको दिखा दे, तो चाय का जो कप है ना वो बहुत छोटा है आप देखिए। एंड भाई अभी जा रहे हैं शनि सिद्धनापुर, गाड़ी वाले भैया ने आवाज़ मारी तो जल्दी जल्दी आना पड़ा, तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी शनि सिद्धनापुर, जैसा भी आपको तो पता है मैं शनि पहले शिरडी आया था फिर शनि सिद्धनापुर आया था, तो अभी शनि सिद्धनापुर जा रहे हैं। तो ये रास्ता है, और भाई अभी 5-10 मिनट के लिए बीच में गाड़ी रुकती है, तो अभी यहाँ पे वो खाते पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और एक तो देखो मैंने इधर यूनिक चीज़ देखी है, एक तो होता है गन्ने का जूस जो निकलता है ना वो मशीन से, और यह नेचुरल निकल रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चलो, एक तो जूस निकलता है मशीन से, और ये बैलों के द्वारा यहाँ पे जूस निकाला जाता है। तो अभी अपन भी जूस पी रहे हैं, देखो। तो ये है इस बार, अभी फिर से जूस निकलेगा और ये बैल इसको फिर से घुमाएगा। तो भाई ये देख रहे हो ना, ये इस तरह से घूमता है, देखो इस तरह से घूमता है और ये जूस निकालता है ये। तो वो भी मैंने आपको खा दिया है। एंड भाई ये देखो अभी जो जूस निकल रहा है ना वो बैलों के द्वारा निकल रहा है, मतलब बैल इसको घुमा रहा है। तो मैंने सोचा इस बार आपको दिखा भी देता हूँ, वरना तो कुछ बंदे बोलेंगे भाई आपने दिखाया तो है नहीं। तो अभी जो जूस निकल रहा है वो बैल इसको घुमा रहा है, इसलिए जूस निकल रहा है। अपने इधर तो मशीनों से निकलता है, पर यहाँ देखो आदमी बैलों से जूस निकलता है। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए कुछ झूले भी लगाए गए हैं, ये देख रहे हो आप, जैसे उधर भी बच्चे अपना झूल रहे हैं, ये देखो। भाई ये देखो अब हम पहुंच गए शनिदेव सिद्धनापुर, तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी फाइनली शनि सिद्धनापुर पहुंच गया है, और पीछे लग गई अपनी बस, वो दिख रही है आपको। और अभी यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है शनि सिद्धनापुर, तो अभी शनि सिद्धनापुर जाते हैं, आप तो भी दर्शन कराते हैं। और बात ही सब बढ़िया है, अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है। चलो चलते हैं और आप तो भी दर्शन कराते हैं। चलो, तो भाई फाइनली अभी ऑयल ले लिया है अपने ने, अपन ने ऑयल लेते हैं वो ले लिया यहाँ पर। अभी जा रहे हैं शनिदेव महाराज के दर्शन करने, और जैसा कि आज दिन भी अच्छा है, आज शनिवार ही है, तो अभी जा रहे हैं शनिदेव महाराज के दर्शन करने, और बाकी सब बढ़िया है। चलो आप तो भी दर्शन कराते हैं, क्या होता है क्या नहीं देखते हैं, पहले सुना ही था आज देख भी लेते हैं। चलो, तो और बाकी सब बढ़िया है। ये देख रहे हो ये यहाँ पर एंट्री गेट है, ये देखो, तो ये आप देख लो। तो भाई देख सकते हो ये मंदिर में एंट्री हो रही है, ये गेट नंबर 1 से। और एंट्री करते ही ये क्या दिखाया हम, तो न्याय थे जो देवता हैं ये वो दिखे हैं। और ये तो जैसे मंदिर में एंट्री करते हैं, तो ये तो मतलब पैर धोने के लिए बना दिया, देखो। तो अपन भी इधर पैर धो लेते हैं, ये देखो कुछ इस टाइप का मंदिर है ये। यार काफी दिन से इच्छा थी इधर आने की, और आज वो इच्छा पूरी भी हो गई।
सब शनिदेव महाराज जी की कृपा है। देखो आज शनिदेव महाराज जी की वजह से आज इस मंदिर से भी अपने तो दर्शन हो गए। चलो यहाँ से आई थिंक जहाँ पे वो सामने है ना उधर की साइड में शनिदेव जी को शिला है जिससे हम दर्शन करने आए हैं। चलो दिखाते हैं आपको भी। तो भाई फाइनली ये है वो शनिदेव महाराज जी की शिला जो आप देख रहे हो। अभी हम भी चलते हैं वो शनिदेव महाराज जी पे चढ़ाते हैं तेल और बाकी सब बढ़िया है। अभी देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर यार। अभी आज शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो भाई अभी जा रहे हैं जो शनिदेव महाराज जी जो शिला है उस पे अपना तेल चढ़ाने, जो भी लिया तेल चढ़ाने। और यहाँ पे अगर आप शनिदेव महाराज जी के बिल्कुल पास से चढ़ाते हो तेल तो यहाँ पर आपको इस टाइप की स्लिप लेनी पड़ती है। आप देख रहे हो ना, तो इस टाइप की स्लिप लेनी पड़ती है जो बिल्कुल शनिदेव महाराज जी के बिल्कुल पास से आपको चढ़ाने का मौका मिलता है, जो भी ऑयल वगैरह वो चढ़ाने का मौका मिलता है। और अगर आप ये स्लिप नहीं लेते तो बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं ना ये सामने तरफ यहाँ से तेल चढ़ाते हो और अगर स्लिप मिल जाती है तो आप बिल्कुल शनिदेव महाराज जी के बिल्कुल पास से तेल चढ़ाने का मौका मिलता है। अपन ने ये ले लिया है 500 रुपीज़ की स्लिप और इस स्लिप से हमें भी इस बार शनिदेव महाराज जी के बिल्कुल पास से तेल चढ़ाने का मौका मिलेगा। तो चलो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। फाइनली जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो शनिदेव महाराज जी के अभी दर्शन हो चुके हैं। तो वो देख रहे हो ना आप मेरे पीछे, वो शनिदेव महाराज जी की जो शिला है वो है। तो शनिदेव महाराज जी दर्शन हो चुके हैं तो मैंने कहा था ना आप तो भी दर्शन कराऊंगा, तो चलो आप तो भी करा दे दर्शन। और अगर भाई ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो प्लीज लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना कौन कौन यहाँ शनिदेव महाराज के पास में आना चाहता है और कौन नहीं आना चाहता, वो मेरे को कॉमेंट करके बताना। और बाकी सब बढ़िया, चलो आप तो भी कराते दर्शन और बाकी सब बढ़िया। चलो जय शनिदेव महाराज। तो भाई ये देख लो शनिदेव महाराज जी की जो शिला है जो हम फोन में देख रहे थे ना, जो अब से काफी दिन पहले मैं फोन में देख रहा था वो आज मैं साथ साथ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो देखो आप भी दर्शन करिए, जय शनिदेव महाराज की जय हो। और भीड़ यहाँ काफी है, मतलब काफी है। और हमने जो ऑयल चढ़ाया था ना, हमने वहां से ऑयल चढ़ाया था वहां जाते, और उसका भी मैं आपको बता दूं वहां पे ऑयल चढ़ाने था 500 रुपए की जो फीस है वो मैंने आपको बता दिया। देखो और उसकी लाइन है उधर से, तो ये है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, अब यहाँ से निकलते हैं जो जय शनिदेव महाराज और डिटेल में बताता हूँ आपको इसके बारे में। चलो भाई फाइनली अभी निकल रहे हैं बाहर, यहाँ से दर्शन कर लिए हैं और अभी बाहर निकल रहे हैं। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको बाहर। एंड भाई फाइनली अभी शनिदेव महाराज जी के दर्शन कर लिए और आपको भी करा दिए, तो कमेंट करके बताना मेरे को कौन कौन यहाँ आना चाहता है। भाई देखो मेरी इच्छा थी तो मैं तो आ गया, मुझे शनिदेव महाराज जी ने बुला लिया तो मेरी इच्छा थी मैं तो आ गया। आप देखो कौन कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता वो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और जी मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शनिदेव महाराज जी भी
कृपा से मैं आ गया और सनी महाराज जी की वजह से यार इस बार चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो अभी निकल रहे हैं मंदिर से और मंदिर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है पूरा। ये देखो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना भाई साहब, अल्टीमेट मंदिर बना हुआ, अल्टीमेट। ये आने का रास्ता है, वो जाने का रास्ता है और ये मंदिर से बाहर निकल रहे हैं अभी। एंड भाई मैं एक चीज और आपको तो बता देता हूँ, मंदिर से बाहर ये काफी बड़ी पार्किंग मिल जाती है, इसमें आप अपने टू व्हीलर फोर व्हीलर आप खड़ी रख सकते हो और इधर आपको तो शॉप मिल जाती है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह आप ले सकते हो। एंड भाई मैंने तो इधर से एक ऑयल की बोतल और एक सनी महाराज जी तो नमक चढ़ता है, जो भी चीजें चलती है वो एक छोटे से पैकेट में आए थे वो लिए थे। तो यहाँ से आप देख रहे हो ना काफी बड़े में तो ये फैला हुआ है यहाँ पर, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो मंदिर से जस्ट बाहर ही, और यहाँ पर आप अपनी पार्किंग कर सकते हो। और ये प्रसाद लेने का उधर से भी है उस साइड से, ये मैंने तो यहाँ से प्रसाद लिया है देखो। तो ये एक पैकेट मेरे को पड़ा है मात्र 20 रुपए का, अभी मैंने ये यहाँ पर 4 पैकेट लिए हैं। तो ये यहाँ पर काफी बड़ी पार्किंग मिल जाती है जिसमें इधर से भी प्रसाद ले सकते हो और उधर सामने से भी प्रसाद ले सकते हो। तो काफी बड़े एरिया में वो फैला हुआ है, तो देख सकते हो आप यार। और ये भी मंदिर का जो एंट्री गेट है, एक तो ये है ये वाला, और इससे बाहर जो मेन एंट्री गेट है वो अभी इस पे काम चल रहा है, तो आप देख सकते हो ये। अभी निकलते हैं जहां पर हमारी खड़ी हुई है बस के पास में, और फिर जिस काम के लिए आए थे वो काम भी तो कराना जरूरी है। तो चलते हैं बस के पास और कराते हैं वो भी काम, और आपको भी दिखाते हैं हम किस काम के लिए आए थे। तो चलो और बाकी सब बढ़िया है। फाइनली अभी जिस बस में आए थे ना उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो बस जा रही थी वापस सीडी। अपने तो जाना नहीं है, अपने तो जाना अभी अहमदनगर। तो अभी शाम की अपनी ट्रेन है, तो अभी जा रहे हैं स्टेशन पे, पहले जो काम करने आए थे पहले वो उतरते हैं, जो मन्नत थी वो तो अपनी पूरी हो गई। मैंने वैसे कुछ नहीं माना था, बिना मान रही मैंने बोल दिया था अदर सनी देव महाराज जी से मैं दर्शन करूँगा, उसके बाद ही मेरे तो बाल कटाने हैं, बाकी सब बढ़िया है। चलो अभी तो भाई अभी यहाँ से अभी जो सिरनापुर से निकल रहे हैं ऑटो में, ऑटो मेरे पीछे खड़ा है ये देख रहे हो आप, तो ऑटो मेरे पीछे खड़ा हो। अब यहाँ से निकल रहे हैं घोड़े राव से, फिर जाना है अपने तो अहमदनगर से पकड़नी हमें शाम की ट्रेन। तो चलते सीधा यहाँ से घोड़े राव और वहाँ जाते फिर बस लेनी है। अब आप तो भी खाते हैं चलो क्या होता है, और बाकी सब बढ़िया है। चलो तो भाई अभी ऑटो छोड़ दिया, अभी जा रहे हैं बस्ती तरफ, और जो अहमदनगर हम अपने तो पहुँचाई थी घंटा, तो अभी चल रहे हैं और देखते हैं कितनी देर में आती है अपनी बस, और बाकी सब बढ़िया है। चलो मिलते हैं आपको आगे। एंड मैं आपको बता देता हूँ सनी सिदनापुर का ये वाला मैं गेट था, यहाँ से हाईवे से इस गेट से अंदर एंट्री होती है। अभी जा रहे हैं सनी देव महाराज जी, तो प्रणाम करते, जय हो सनी देव महाराज, अगली बार फिर बुलाना। तो चल रहे हैं आप, बस का इंतजार करते हैं आप यहाँ पे, और यहीं पे बस आई थी देखो। तो चलते हैं आप, बस का वेट करते हैं और मिलते हैं आपको। चलो और बाकी सब बढ़िया है। तो फाइनली भैया अभी जो अहमदनगर का जो बस स्टैंड है उस पर उतर गए हैं, और अभी देखते हैं यहाँ से ऑटो लेना है, ऑटो लेते जाना है अपने तो अहमदनगर के रेलवे स्टेशन। तो अभी पहले तो खाना पीना खाते हैं और फिर मिलते हैं जहाँ तक यार, बड़ा पाव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इधर। तो अभी बस खाना तो पड़ेगा यार, अगर पेट भरना है तो खाना तो पड़ेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से और बाकी सब बढ़िया है। चलो भाई यार देख लो भी, आज हमने बड़ा पाव नहीं खाया, आज हमने पाव भाजी ली है, तो खाते हैं देखते हैं पैसी बनी है, और भाई पेट तो भरना ही है, भूत के मारे जान निकली जा रही थी यार। चलो खाते हैं और बताते हैं आपको। चलो और बाकी सब बढ़िया है। तो भाई फाइनली भी ऑटो मिल गया है, ऑटो ले लिया है यहाँ से, अभी जा रहे हैं स्टेशन यहाँ से, और स्टेशन पे जाते देखते हैं अपनी गाड़ी किस टाइम की है किस टाइम की नहीं है।
तो भाई फाइनली अभी स्टेशन पे पहुंच गए, अभी ऑटो से उतर गया, अभी चलते हैं अंदर। इधर देखते हैं कहाँ से लेना, कहाँ से नहीं लेना। और यार धूप बहुत ज्यादा हो रही है इधर, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने इधर गर्मी है नहीं इतनी। तो चलो चलते हैं अंदर स्टेशन पर, बाकी सब बढ़िया चल रहा है अभी तक। चलो एंड भाई फाइनली अभी स्टेशन पर आए थे और टिकट ले लिया है। तो अपने को तो मिला है अभी जनरल डिब्बे का 355 रुपये का। अब देखते हैं अपने को तो जाना तो स्लीपर में है, तो इधर से देखते हैं स्लीपर में क्या करते हैं, कैसे जाना होता है कैसे नहीं होता, और जो भी है आपको बताएंगे। तो अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, और शाम को 7 बजे है अपनी गाड़ी। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, वैसे तो मैं सही टाइम पे आ गया हूँ। अभी अभी जो टाइम हुआ ना वो टाइम हुआ है 2 बजे। तो भाई अभी 5 घंटे देखते हैं इधर, 5 घंटे अपने तो क्या करना है क्या नहीं करना। चलो इतने ही बैठते हैं, अपना टाइम पास करेंगे और प्यार बातें सब बढ़िया है। चलो हाँ जी हाँ जी। तो भैया देखो आपसे अभी मैं आते स्टेशन पे बैठते हूँ, अपनी जो ट्रेन है शाम को 7 बजे है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो अभी 2:30 बजा है। तो अभी भाई आपसे इसलिए कहीं अब कहीं थी जल्दी नहीं है, कहीं थी बाहर दौड़नी है, कहीं कोई मतलब ट्रैफिक का साउंड नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे कुछ देर बात कर ही लेता हूँ। तो भाई जैसा मैंने सुना था ना, जो मैंने सुना था कि शनि सिरनापुर में कुछ घर ऐसे हैं जिनमें अभी भी दरवाजे नहीं है, तो वो बात मैं पहले सोच रहा था वो बात झूठ है सच है। तो जैसे मैं यहाँ आया हूँ ना, तो यहाँ आते मेरे को मतलब कुछ घर देखने तो भी मिले हैं। तो जो जिस ऑटो में मैं आया था, आपने वीडियो देखी होगी, ऑटो वाले भैया ने भी बताया था, और जिस ऑटो में मैं आया था उस ऑटो में जब मैं बैठा हुआ था, तो जैसे ऑटो स्टेशन की तरफ आ रहा था ना, तो भाई मैंने ऑटो में से बैठे बैठे था भाई इस घर में तो दरवाजा ही नहीं है। तो मैंने ये बात ऑटो वाले से पूछी, जैसा आपने वीडियो में देखा है। तो ऑटो वाले भैया ने बताया कि कुछ घर अभी भी ऐसे, देखो जो पुराने घर है ना, पुराने घर तो मतलब उनमें तो दरवाजा थे, दरवाजे थी तो चौखट होती है ना, चौखट ही नहीं है। अब जो नई नई पीढ़ी के बंदे हैं, तो ऑटो वाले भैया बता रहे थे वो अपने हिसाब से सारा काम करते हैं, वरना तो जो पुराने घर बने हुए हैं ना, तो पुराने घर में अभी भी दरवाजा तो छोड़ो, दरवाजा तो बहुत दूर की बात है, चौखट भी नहीं है। तो बस मैंने सोचा चलो ये बात मैं आप तो बता ही देता हूँ थोड़ा अभी, देखो अगर मैं इस बात को आप तो बताता चलते चलते या कहीं पर भी ट्रैफिक में बताता, तो ना तो आपकी समझ आती और ना ही मतलब मेरे तो बताने का कोई फायदा था। एंड भाई तो मैंने सोचा चलो स्टेशन पे अभी अपनी गाड़ी तो आने में बहुत टाइम है, बहुत बहुत टाइम है, अभी 5 घंटे बैठते चाह रहे हैं। तो सोचा थोड़ी देर आपसे बात कर लेता हूँ, आप तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जो कुछ मैंने सुना था, जो कुछ मैंने मतलब औरों से भी सुना था, और जो मैंने वीडियोज भी देखी थी, तो वो बात सच है। एंड भाई मैं आप तो जो शनिदेव जी की शिला है ना, तो शिला भाई साहब जैसा ही जैसे मैंने वीडियो में देखी थी, फोटो वगैरह में देखी, भाई साहब मतलब सेम टू सेम वही शिला है। और मतलब यार ये देख लो, वो खुले आसमान के नीचे शिला दरी है, कोई उसके ऊपर छत नहीं है, मंदिर नहीं है, खुले आसमान के नीचे है। तो ये तो मुझे मतलब यहाँ आते मुझे अलग ही लगा, थोड़ा यूनिक लगा, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार तो यहाँ आना बनता है। तो भाई मैंने जो सोचा आना बनता है, तो भाई मैं आ गया यहाँ पर दर्शन करने, शनिदेव महाराज जी दर्शन करने। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड भाई अगर वीडियो चले, वीडियो प्लीज लाइक करना, कमेंट कर देना, तो उनको नहीं आना चाहता है, और कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिखना। तो भाई अपना ये यही सफर था, अब यहाँ से जा रहे हैं वापस न्यू दिल्ली। तो देखते हैं आप, आई थिंक कल तक ही पहुंचेंगे। तो कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिखना, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आप तो चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।